आज की कहानी में हम देखेंगे एक लड़की फंसी दो लड़कों के बीच में जिंदा होते हुए भी मर जाती है। एक से उसे प्यार था लेकिन दूसरा उसे पाना चाहता था। ऐसे में वो दूसरा बंदा लड़की को उसके ही प्यार की नजरों में मार डालता है, फिर खुद उसका हस्बैंड बताकर जीना शुरू कर देता है। इस बीच लड़की की याददाश्त जा चुकी थी, फिर कैसे उसे ये एहसास होने लगा था कि ये ना ही उसका हस्बैंड है और ना ही उसका प्यार है। अब कैसे वो अपने प्यार को पाती है ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है, हमें इस ड्रामे की हीरोइन बुंगा और साथ में उसकी दादी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गरीब होती हैं और इस गरीबी में भी एक लैंडलॉर्ड का कर्ज जबरदस्ती इनके सर पर आ चुका है, जिसे देने के लिए दादी और बुंगा मिठाई बनाकर मार्केट में सेल किया करती हैं। ये काम करते करते एक साल गुजर गया है और पैसे देने का वक्त भी आ गया है। अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे तब लैंडलॉर्ड जबरदस्ती बुंगा को अपने घर लेकर चला जाएगा और कुछ दिन तक अपनी वाइफ बनाएगा, फिर बुंगा को रेड लाइट एरिया में सेल कर देगा। ये धमकी वो घर आकर इनके दे चुका है कि या तो पैसा दे दो या फिर बेटी दे दो। अब बुंगा को बचाने के लिए दादी इस उम्र में जान तोड़ मेहनत करके पैसे को इकट्ठा कर रही होती हैं और सुबह ही लैंडलॉर्ड आने वाला होता है। इसी डर से दादी बुंगा को इस गांव से बहुत दूर काबरी जाने की बात कहती हैं। बुंगा अकेले दादी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अक्सर ही बीमार रहा करती थी, लेकिन दादी का मान रखने के लिए वो एग्री हो जाती है और खुद को केविन से बचाने के लिए उसे जाना ही पड़ता है। अब दादी रात के 3 बजे बुंगा को यहाँ से भेज देती हैं। उधर केविन को आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी क्योंकि कल का इंतजार वो सालों से कर रहा था। अब इस वक्त वो बेचैनी में अपने बंदों को लेकर दादी के घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ लोगों को टैक्सी स्टैंड पर भेज देता है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी अपने कुछ बंदे भेज देता है क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि शायद बुंगा यहाँ से भाग जाए। अब वो रास्ते से गुजर रहा होता है जहाँ पर बुंगा टैक्सी में बैठी होती है। उसे फिर से एक बेचैनी होती है और वो उतरता है, टैक्सी की तरफ पड़ता है, लेकिन बुंगा बड़ी ही चालाकी से सर को झुकाते हुए छिप जाती है और तभी इनकी गाड़ी चल पड़ती है। अब केविन दादी के घर पहुँच जाता है जहाँ पर बुंगा होती नहीं है, इसलिए दादी को वो टॉर्चर करने लगता है। साथ ही कहता है कि तेरे मरने के बाद तो बुंगा यहाँ पर आएगी ही, तो कहीं भी उसे भेज दे, लेकिन अपनी बुंगा को मुझसे बचा नहीं सकेगी। ये कहते हुए दादी को हिट करने लगता है। इधर स्टेशन पर केविन के बंदे आए होते हैं जिनकी नजर से बचते बचाते बुंगा ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी केविन के बंदे ट्रेन के अंदर बुंगा को तलाश करने लगते हैं। ये चीज तवान यानी के ड्रामे का हीरो देख रहा होता है। अब वो बड़े ही चालाकी से आता है और बुंगा और खुद को एक टॉवल से ढक लेता है और उसके अंदर इन लोग बैठ जाते हैं, जिससे कि बाकी लोग समझे कि कपल लव कर रहे हैं। तभी केविन के बंदे इनके पास चले आते हैं। तवान उन सबको देख कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है और आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये सुनने के बाद वो लोग चले जाते हैं। अब तवान और बुंगा दोनों को सुकून मिलता है और बुंगा तवान को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसको बचाया था। तभी तवान पूछ लेता है कि ये सब कौन है, जिसके बाद बुंगा सारे ही स्टोरी उसे बताने लगती है। बुंगा की बातों को सुनते सुनते तवान कब उसकी आंखों में खो जाता है ये उसे खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि तवान को बुंगा से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। अब ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और तभी कारवी स्टेशन आ जाता है। यहाँ पर दादी के जानने वाले एक डॉक्टर होते हैं जो कि बुंगा को रिसीव करने के लिए आए होते हैं। अब बुंगा जब जाने लगती है तब तवान की धड़कन तेज होने लगती है। वो उसे अपना एक स्कॉफ देता है और कहता है कि जब जरूरत पड़े तब अपने फेस को इससे ढक लेना। अब उस स्कॉफ को लेते हुए बुंगा ट्रेन से उतर जाती है और विंडो की तरफ आ जाती है और अगेन तवान को शुक्रिया कहती है, फिर अपने बालों से एक फ्लावर
निकालती है और उसे देती है और कहती है कि दुनिया गोल है, शायद हम फिर से मिलेंगे। और तभी ट्रेन की स्पीड फास्ट हो जाती है, इन दोनों में दूरियां पड़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं, मानो कि ट्रेन के साथ कोई इनका अपना जा रहा है। खैर अलविदा कहते हुए बुंगा पलटती है और तभी डॉक्टर उसे मिल जाते हैं, जो कि बुंगा को जॉब के लिए एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर चीफ डू होता है, जो कि बुंगा को देखते ही अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर सेम बुंगा की तरह ही उसकी वाइफ थी, लेकिन अचानक ही वो मर गई, जिसका गम डू को अभी भी होता है और वो इस गम में खोया रहता है। आज बुंगा को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा था। अगले ही पल जब डू को ये बात पता लगती है कि ये जॉब के लिए होटल में आई है, तब उसे वो डेकोरेशन डिपार्टमेंट दे देता है। बुंगा पहले ही दिन सबका दिल जीत लेती है और हर तरफ फ्लावर से पूरे होटल को अलग ही तरह से डिक्योर करती है, जिसे देखकर डू बहुत ही खुश होता है और बुंगा अब उसे और भी अच्छी लगने लगी थी। तभी तवान कार्वी शहर आ जाता है, क्योंकि बुंगा को देखने के लिए वो मानो तड़प रहा होता है। हालांकि ट्रेन में उसने बुंगा की फोटो ले ली थी, जिसे हर वक्त वो अपने सीने से लगा कर रखा करता था। अब उसी के सहारे से वो कार्बी शहर में बुंगा को तलाश करने लगता है, लेकिन कोई भी बुंगा को पहचान नहीं रहा होता। अब तवान ठहरने के लिए एक होटल में जाता है और कोइंसिडेंटली ये वही होटल होता है जिसमें बुंगा काम करती है। अब वो बुंगा को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इस बीच बुंगा भी वही स्कॉप लिए उसको याद कर रही होती है, साथ ही उस स्कॉप को हमेशा ही अपने सर से लगाए रखती थी, जिसे तवान ने उसे दिया होता है। अब तवान बुंगा से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करने लगे थे। ये देखकर बुंगा के साथ काम कर रही एक ओल्ड लेडी बहुत खुश होती है, क्योंकि बुंगा की वो बहुत खास बन चुकी थी। अब तवान बातें करते करते बुंगा से कहता है कि वो हमेशा यहीं पर अब रहेगा और एक चाय का होटल खोल लेगा। उसकी ये बात सुनकर बुंगा समझ जाती है कि ये मेरे लिए यहाँ पर रुक रहा है। खैर अब बुंगा उसका हेल्प करती है और होटल खुल जाता है। इस बीच तवान अपने घर पर कॉल करता है, जहाँ पर वो अपने भाई से कह देता है कि वो अब घर नहीं आएगा, लेकिन उसका भाई कहता है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है और ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रहेंगे और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो तुमसे मिलकर माफी मांग लें, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। तवान के तो सौतेले भाई बहन होते हैं, जो कि तवान से सारे लोग बहुत ही नफरत करते हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि तवान कभी भी वहाँ पर जाए, लेकिन तवान को अपने फादर के लिए वहाँ पर जाना होता है। उधर तवान के फादर अपने तो नालायक बच्चों को हर जगह से हटाने की बात करते हैं, साथ ही कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है हर चीज उनकी है, जिसे चाहेंगे बस उसी को अपना हक देंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, सिर्फ तवान ही उनको अच्छा लगता था। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड को ये बात पता लग जाती है कि बुंगा कार्बी में रह रही है और वो यहाँ पर आ नहीं सकता था, इसलिए एक साजिश के तहत बुंगा को बुलाने का प्लान बनाने लगता है। इधर तवान बहुत ही डिस्टर्ब मूड के साथ बुंगा को अपनी सारी कहानी बताने लगता है, साथ में ये भी कहता है कि उसकी माँ को ये बात नहीं पता थी कि उसके फादर की एक फैमिली और भी है जो कि शहर में रहती है। ये बात तो तब पता चली थी जब तवान के फादर उसे अपने बेटों के बीच में ले गए, जहाँ पर सारे सौतेले भाई थे और तवान से सख्त नफरत करते थे। इस तरह उसका बचपन बहुत ही सैड गुजरा। बस इसी सब वजह से अब वो अकेला यहाँ पर रहना चाहता है और उसे कोई प्यार करने वाला अगर मिल जाए तो वो सारी ही उम्र यहाँ पर खुशी के साथ गुजार देगा। बुंगा को उसकी ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बुंगा को बचपन से पैसों की बहुत कमी होती है, इसलिए उसे लगता है कि पैसा वो चीज है जिससे कि दुनिया की हर चीज मिल सकती है और चाय के होटल से कोई कभी रिच नहीं हो सकता है। बुंगा गरीब है, इसलिए उसे पैसों की कदर मालूम है। तवान को पैसे की कीमत का भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि कभी भी उसे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही बात करते करते ये लोग इतने करीब आ जाते हैं कि बस
सोने वाली थी। बुंगा उठ खड़ी हो जाती है और फिर उसके पास से चली जाती है क्योंकि तवान प्रपोज कर दिए होते हैं। अब वो रिप्लाई लेने के लिए बुंगा के पीछे लग जाता है, लेकिन बुंगा को ये सब बातें बहुत ही जल्दी जल्दी में लग रही होती हैं। लेकिन तवान सिद्धी होता है, वो डेट के लिए बुंगा को राजी कर लेता है। अगले दिन बुंगा को ये बात पता लगती है कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर बुंगा रोने लगती है और तभी यहाँ पर चीफ आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे और वो पैसों की फिक्र ना करे। लेकिन तभी चीफ को एक इमरजेंसी में जाना पड़ता है, जिस वजह से वो बुंगा को पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब वो तवान को एक लेटर लिखती है और ओल्ड लेडी को देकर दादी की तरफ निकल पड़ती है। तभी तवान आ जाता है। अब वो लेटर पढ़ता है तो फौरन ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे ट्रेन में बैठ जाता है जिसमें बुंगा बैठी होती है। अब बुंगा और तवान दादी की बीमारी को सुनकर दादी के पास जाने लगते हैं। ट्रेन में दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत सफर को तय करते हुए दादी के घर पर पहुंच जाते हैं। दादी बुंगा को देखकर खुश होने की जगह डर जाती हैं। वो कहती हैं कि तुमको आना नहीं था और फौरन ही यहाँ से चली जाओ, केविन के बंदे तुमको तलाश रहे हैं। ये सुनकर बुंगा कहती है कि मैं आपको बीमार छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। हालांकि दादी अपनी बीमारी को उससे शो नहीं कर रही थी, कहती है कि वो बिल्कुल ही ठीक है। न कि दादी की बीमारी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको खांसी के साथ ब्लड भी आने लगा था। इस तरह वो समझ गई थी कि अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी। तभी वो तवान को आता हुआ देखती हैं। ये देखकर बुंगा से पूछती हैं, जिस पर बुंगा उसे सिर्फ अपना एक फ्रेंड बताती है। लेकिन दोनों की नजरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन लोग फ्रेंड नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है। ये देखकर दादी काफी खुश होती है। दादी को तवान बहुत अच्छा लगता है और वो दादी का बहुत ज्यादा ख्याल करता है। अब रात होती है, सारे ही लोग सोने जाते हैं। तभी दादी को खांसी होने लगती है, जिस आवाज को सुनकर बुंगा और तवान उनके पास पहुंच जाते हैं। दादी की सांसें अब रुकने लगी थीं। वो तवान के हाथ को पकड़कर कहती हैं कि मेरे मरने के बाद इसका कोई नहीं है, तुम्हें इसका सहारा बनना और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। ये कहते हुए वो मर जाती हैं। बुंगा दादी की मौत पर बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन तवान उसे संभाल लेता है। अब फ्यूनरल के बाद ये लोग घर में होते हैं। बुंगा को दादी का ब्लड वाला रुमाल मिल जाता है, जिसे देखकर वो दादी की बीमारी को समझ जाती है। फिर तड़पते हुए रोने लगती है और सोचने लगती है कि काश उसे इस बात का पता होता तो वो दादी का इलाज करा लेती और दादी कुछ दिन तक और जिंदा रहती। उसकी रोने की आवाज सुनकर तवान उसके पास आता है और उसे चुप कराने लगता है। कहता है कि दादी नहीं है तो क्या हुआ, वो तो उसका सहारा बनेगा ही। तभी केविन अपने बंदों के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब इन लोग भागने के लिए सोचते हैं, पिछले विंडो से जंप करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तवान पहले जंप करता है, जैसे कि बुंगा जंप करे तो वो उसे संभाल ले। तभी केविन आ जाता है, जैसे ही बुंगा जंप करने लगती है वो उसे पकड़ लेता है। ये देखकर बुंगा उस पर लैंप फेंक देती है, फिर तेजी से जंप करती है और जंगल के रास्ते दोनों ही भागने लगते हैं। उधर केविन जलने के दर्द से बेहाल होता है। अब बुंगा को पकड़ना उसके लिए एक जिद बन जाती है, इसलिए अपने लोगों को चारों तरफ उसे तलाशने के लिए भेज देता है। अब वो लोग बुंगा और तवान को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तवान उन लोगों को मार कर बुंगा को साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। ये लोग टैक्सी स्टैंड पर नहीं जा सकते थे, इसलिए जंगल के रास्ते रेलवे स्टेशन जाने का फैसला लेते हैं। इस बीच बुंगा के पैर में घाव हो गया था, जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। ये देखकर तवान उसे पिगी बैग राइड देते हुए आगे बढ़ने लगता है। इन लोगों को रेलवे स्टेशन पर केविन के बंदे नजर आते हैं, इसलिए अब किसी प्राइवेट गाड़ी से इनको जाना होता है, जिस वजह से रोड की तरफ इन लोग बढ़ने लगते हैं। उधर केविन को ये बात पता लग गई थी कि तवान उनके बंदों को मारकर गांव से बाहर निकल गया है। इस गुस्से में वो अपने बंदों को स्लैप करता है, फिर वो गन्स लेकर हर तरफ उसे तलाशने के लिए निकल जाता है। पूरे ही इलाके में घेराबंदी कर दी जाती है और हर गाड़ियों को चेक किया जाने लगता है। तभी तवान को एक कार दिखती है, जो कि जीप डूकी होती है, लेकिन तवान और बुंगा को ये बात नहीं पता होती। वो लोग चुपके से कार में बैठ जाते हैं, लेकिन डू को अपना बर्ड फॉर्म देखना होता है, इसलिए वो वहीं जाने लगता है जहाँ से बुंगा और तवान आए हुए थे। तभी
रास्ते में डू की कार रोक ली जाती है क्योंकि केविन के बंदे तलाशी ले रहे थे। ड्राइवर उन लोगों से मना करता है लेकिन उनको तलाशी लेनी होती है। ये सुनकर डू बाहर निकलता है। अब तवान और बुंगा को लगने लगा था कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए कार से चुपके से उतर जाते हैं और जंगल में घुस जाते हैं। झाड़ियों में छुपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर डू और केविन के बीच गन शूट का वक्त आ जाता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि डू को सर बोलने लगते हैं। केविन जब ये जलवा देखता है तब उसके समझ में आ जाता है कि इसे पंगा लेना ठीक नहीं है क्योंकि पहले से वो डू के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। खैर केविन अपने बंदों को लेकर चला जाता है जिसके बाद डू भी अपने फॉर्म की तरफ जाने लगता है। इधर तवान और बुंगा चलते चलते एक नदी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से इन लोगों को बोट के जरिए इस एरिया से बाहर निकलना होता है। तभी केविन और उसके बंदे यहाँ पर आ जाते हैं जो कि तवान और बुंगा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तवान फाइट करके बुंगा को साथ लेकर भागने लगता है, फिर एक झोपड़ी में नीचे छिप जाता है। इस बीच केविन उसे तलाशने लगता है लेकिन इन लोग उसे नजर नहीं आते। वो कार में बैठकर रोड पर इधर उधर देखने लगता है। तवान और बुंगा अभी जंगल में ही होते हैं। तवान को फाइट के बीच बुलेट लग गई थी जिस वजह से काफी ब्लड निकल चुका था। अब वो चकरा कर एक जगह पर गिर पड़ता है। बुंगा उसके घाव पर टाई बांध देती है और नदी के किनारे बैठकर तवान को हिम्मत देने लगती है। हालांकि उसको तेज फीवर होता है। बुंगा उसके होश में आने का वेट कर रही होती है और अब रात हो जाती है। केविन के बंदे मसाल लिए जंगल का कोना कोना ढूंढ रहे होते हैं। इधर तवान को होश आ जाता है। अब वो काफी ठीक हो गया था। बुंगा के साथ फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी इन लोगों को एक शेल्टर मिलता है जहां पर ये लोग ठहर जाते हैं। ठंड काफी होती है, आग के सहारे रात गुजार रहे थे। अब बुंगा तवान की ड्रेसिंग करती है लेकिन वो फीवर से तप रहा था। ये देखकर बुंगा एक घास की मदद से मेडिसिन रेडी करती है जो कि तवान को पिला देती है। साथ ही वही स्कॉफ तवान के शोल्डर पर डाल देती है जो कि रेलवे स्टेशन पर तवान ने बुंगा को दिया होता है। उसका इतना ख्याल करना तवान को मोहब्बत से भर देता है। उसके स्कॉफ में बुंगा सारी की तरह खुशबू आ रही थी। तवान उस खुशबू को महसूस करता है और उससे ये बातें कह भी देता है। बुंगा उसकी बातों पर हंस देती है। उधर केविन अपने लोगों से कहता है कि आज की रात बुंगा को तलाश करो वरना तुम सबकी जान जाएगी। साथ ही बुंगा को भी कहता है कि जिस लड़की के सहारे तुम भाग रही हो आज उसकी जान मैं ले लूंगा। इधर बुंगा रो रो कर दादी के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही थी। तभी तवान उठ जाता है, बुंगा को समझाता है लेकिन बुंगा डरी हुई थी क्योंकि तवान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुलेट लगी थी और केविन भी अब उसका दुश्मन बन चुका था। उसे डर होता है कि कहीं ये मर ना जाए और मर गया तब उसका क्या होगा। ये सारी बातें वो तवान से कह देती है कि मैं बहुत ही तनहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए गॉड से प्रे करूंगी, जल्दी तुम ठीक हो जाओ। उसकी ये दुआ सुनकर तवान को उस पर प्यार आने लगता है। वो कहता है कि दादी की आखिरी ख्वाहिश को मैं अपनी पहली ख्वाहिश बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसे किस करता है जिसके बाद इन लोग एंटीमेट होते हैं। अब सुबह होती है, बुंगा तवान को मेडिसिन देती है और वो बुंगा को फ्लावर देता है। साथ ही जीने मरने की कस्में खाते हुए दोनों गले लगते हैं और तभी यहाँ पर केविन के बंदे आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं लेकिन केविन को कई सारे ऐसे सबूत मिल गए थे जिसे ये साफ पता चल चुका था कि बुंगा और तवान रात में यहीं पर ठहरे हुए थे। अब वो अपने लोगों से कहता है कि वो लोग यहीं कहीं पर होंगे, हर तरफ उन्हें तलाश करो। उधर तवान और बुंगा समंदर के किनारे बर्ड फार्म तक पहुंच जाते हैं। तभी केविन इन लोगों को देख लेता है। अब वो अपने लोगों की मदद से बुंगा को पकड़ लेता है। तवान कई लोग से फाइट करता है लेकिन बाद में वो भी पकड़ा जाता है। अब केविन कहता है कि मुझे बुंगा मिल गई है, अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी वजह से ही बुंगा को तलाशने में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ये कहते हुए उस पर गन पॉइंट कर देता है और तभी यहाँ पर चीफ डू आ जाते हैं क्योंकि यही उनका बर्ड फार्म होता है। वो कहते हैं कि मेरे एरिया में तुम इन दोनों को मार नहीं सकते हो और ये दोनों ही मेरे बंदे हैं। केविन आज तुम्हें मरना होगा, या तो बुंगा और तवान को मेरे हवाले कर दो। लेकिन केविन कहता है कि तवान को मैं भेज देता हूँ और बुंगा को मैं साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि इसकी दादी ने कहा था कि बुंगा मेरी है। ये सुनकर डू कहता है कि उसे पता है कि कर्ज देने के बदले तुमने बेटी को लिया है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि बुंगा मेरे फॉर्म में है
और वो मेरी है। लेकिन केविन अपने कर्ज की बात किए जा रहा था, तभी डुक कहता है कि मैं तुम्हारे कर्ज को अदा कर दूंगा। बुंगा को तुम मुझे दे दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर केविन कुछ देर सोचता है, फिर बुंगा को देकर चला जाता है क्योंकि वो डू से बहुत डरता है। लेकिन क्यों, ये बात आपको बाद में पता चलेगी। केविन जाते जाते कह देता है कि मेरा और बुंगा का मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, आज के दिन का मैं एक एक हिसाब उससे लेकर रहूंगा। अब डू, तमान और बुंगा शिप में बैठकर जाने लगते हैं। डू इन लोगों से कहता है कि मैं केविन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो इंसान बहुत ही बुरा है। पैसे देने के बाद भी वो बुंगा की जान का दुश्मन बना रहेगा, इसलिए तुम दोनों को मैं एक सेफ जगह पर भेज रहा हूँ। ये सुनकर तवान काफी खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, और बुंगा भी डू की बातों से बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन बुंगा तवान के करीबी देखकर डू को अजीब सा दर्द हो रहा था, बस वो जाहिर नहीं कर रहा था, इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ तवान के फादर की तबीयत बिगड़ने लगती है। तवान का बड़ा भाई योड ही फादर को चाहता था, बाकी दोनों ही बच्चे उनसे नफरत करते थे। इसलिए फादर योट से कहते हैं कि उनका आज आखिरी वक्त है, वो वकील को ले आए तो वो वसीयत कर दें, और तमान का वेट करने का वक्त मेरे पास नहीं है। ये सुनकर ओड रोने लगता है और वकील को बुलाने के लिए चला जाता है। तभी दोनों बुरे भाई बहन आते हैं, जो कि अपने ही फादर के हाथों से दवा को छीन कर वसीयत की बात करने लगते हैं। साथ ही कहते हैं कि वसीयत में तवान का कोई भी नाम नहीं रहेगा क्योंकि वो इस घर की औलाद नहीं है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि बस उसकी माँ अलग है, लेकिन औलाद वो मेरी है, इसलिए मैं जो समझूंगा वही करूंगा। तुम लोग इतने चालाक हो कि कंपनी को बेचने की बात कर रहे हो, लेकिन ओड और तवान कंपनी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कभी भी ये कंपनी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। ये बात अलग है कि बेटे होने का अधिकार तुम्हें दिया जाएगा। ये कहते हुए उनकी सांसें रुकने लगी थी। ये देखकर भी पेंडा को दर्द नहीं हो रहा था और वो उनका कॉलर पकड़कर उन्हें झिझोड़े जा रही थी। तभी उनकी सांसें एकदम से रुकने लगती हैं और तभी यहाँ पर ओड आ जाता है, जिसे देखकर थाना डोर को बंद कर लेता है। लेकिन ओड जबरदस्ती रूम में एंट्री ले लेता है। फिर वो अपने फादर के पास जाता है तो फादर का आखिरी लफ्ज यही होता है कि तवान को यहाँ पर ले आओ। ये कहते हुए वो मर जाते हैं। ओड फादर की मौत पर बहुत ज्यादा रोता है, बाकी दोनों बुरे भाई बहन को जरा भी तकलीफ नहीं होती। और तभी हमें तवान और बुंगा को दिखाया जाता है, जो कि डू के साथ सेफ बिला में पहुंच जाते हैं। डू कहता है कि वो जा रहा है और थोड़े दिन के बाद वो कपड़े वगैरह भेज देगा, यहाँ पर तुम दोनों सेफ हो। तभी बुंगा डू से कुछ घाव ठीक करने वाली दवा मांगती है। ये सुनकर डू बेचैन होते हुए पूछता है कि उसे कहाँ चोट लगी है, इससे पहले उसने क्यों नहीं बताया और वो कैसी है। तवान को डू का ये रिएक्शन अजीब लगता है। तभी बुंगा कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तवान को एक घाव हुआ है। ये सुनते ही वो नॉर्मल हो जाता है, एक बंदे से दवा लाने के लिए कहता है, लेकिन तवान के लिए उसके दिल में कोई भी जगह नहीं होती, ये जगह तो सिर्फ बुंगा के लिए होती है। तवान डू को देखता है और डू तवान को, नजरों में कई सवाल होते हैं। तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पिछले पार्ट का एंड हुआ था। हम देखते हैं बुंगा और तवान डू के घर में होते हैं। तभी हमें तवान की बहन पेंटा को दिखाया जाता है, जो कि ट्रैकान को कॉल करती है और कहती है कि अचानक ही उसके फादर मर गए हैं, लेकिन वसीयत में उसका और थाना का नाम है, साथ में तवान का भी नाम है। लेकिन वो नहीं चाहती है कि तवान को भी उसका हक मिले, वो चाहती है कि तवान मर जाए। ये सारी दिक्कत को अब ट्रैकान ही दूर कर सकता है। उसके इस बात को सुनने के बाद ट्रैकान कहता है कि वो फिक्र नहीं करे, आगे के काम को वो संभाल लेगा। तभी ट्रैकान के वाइफ घर छोड़कर जाने लगती है। ये देखकर वो उसे रोकता है, लेकिन वो गन पॉइंट करते हुए उसे तलाक लेने की बात कहती है। साथ में ये भी कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है। इधर तवान बुंगा से कहता है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे घर जाना है। साथ में वो बुंगा को भी ले जाने की बात करता है, जिसके लिए बुंगा रेडी हो जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर डू आ जाते हैं, जिससे तवान कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए अपने फादर के घर जा रहा है और आकर उसे पैसे रीपे कर देगा। लेकिन डू इस बात के लिए राजी नहीं होता, वो कहता है कि क्या पता तुम जाओ तो आना भूल जाओ। ये सुनकर तवान कहता है कि वो कंपनी का मालिक है और इतने कम पैसे के लिए उसकी नीयत कभी खराब नहीं होगी।
कंपनी का नाम सुनते ही डुक कहता है, तो अपनी फैमिली से कहकर मेरा पैसा दे दो। लेकिन तवान इस बात के लिए इनकार करता है। वो कहता है कि इस कर्ज को वो फैमिली पर नहीं डालेगा, खुद ही आकर यहाँ पर काम करके पैसे को अदा कर देगा। साथ ही कहता है कि आने के बाद वो बुंगा से शादी भी कर लेगा। ये सुनकर डुक खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे शादी की बात जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो जाने लगता है। तभी तवान डुक से एक कपल पिक क्लिक करने की बात कहता है, डुक बुंगा के लिए ये भी कर देता है। साथ ही बुंगा के कहने के बाद खुद भी ग्रुप में आ जाता है। वन पिक क्लिक होते ही वो यहाँ से चला जाता है। ये बदला हुआ रुख देखकर तवान और बुंगा दोनों ही शॉक होते हैं। खैर, अगले ही पल तवान को ओट की कॉल आती है, जिसके जरिए ये बात पता चलती है कि तवान के फादर की डेथ हो गई है, और मरते वक्त उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो तवान को देखना चाहते थे। ये सुनकर तवान रो पड़ता है। अब वो बुंगा को ये बातें बताता है, जिसके बाद दोनों ही साथ में रोने लगते हैं। तवान बुंगा से कहता है कि अब वो हमेशा बुंगा के साथ रहना चाहता है। ये कहते हुए उसके लिए व्हाइट फ्लावर लाने के लिए चला जाता है। तभी डू बुंगा के पास आता है, बुंगा के हाथ को पकड़कर कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी तवान यहाँ पर आ जाता है। इस तरह डू की बातें अधूरी रह जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। रूम में जाकर अपनी वाइफ को याद करने लगता है। जब उसकी वाइफ कहीं जाना चाहती थी, तब इंथो ने उससे कुछ वक्त मांगा था, लेकिन ये बात उसकी वाइफ को जरा भी पसंद नहीं आई। मौसम बहुत ही खराब था, लेकिन शिप में बैठकर वो जाने लगी थी, और कुछ ही देर के बाद उसकी शिप डूब जाती है। ये बात इंतो को जब पता लगती है, तो वो रोते हुए वहाँ पर जाता है, लेकिन तब तक उसकी वाइफ मर चुकी थी। उस दिन की घड़ी और आज की घड़ी, इंतो को कभी भी सुकून नहीं मिला। लेकिन बुंगा को देखकर जाने क्यों उसे अपनी वाइफ याद आती है, और वो नहीं चाहता है कि बुंगा तवान से शादी करे, क्योंकि बुंगा को इंतो खुद अपनाना चाहता है। इसे गम में डूबा हुआ वो वाइन पिए जा रहा था। दूसरी तरफ बुंगा और तवान लव करते हुए एंटीमेट होते हैं। इनका रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था, लेकिन बुंगा को आज दादी का ख्वाब आता है, जो कि बुंगा के हाथ को पकड़कर रो रही होती हैं। ये देखकर बुंगा डर जाती है। होश में आने के बाद तवान के सीने पर सर रख कर सो जाती है। अगली सुबह तवान का भाई योड उसे मिलने आता है। तवान बुंगा और अपने रिश्ते के बारे में उसे बता देता है। योड बुंगा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो भी चाहता था कि तवान की एक फैमिली हो। लेकिन ओट कहता है कि तुम अगर बुंगा को घर पर ले गए, टंटा और थाना बुंगा के साथ वही करेंगे जो कि माँ के साथ किया करते थे, और अब तो वो दोनों ही तुम्हें मानना चाहते हैं। ये सुनकर तवान खामोश हो जाता है। शाम होती है, तीनों ही लोग बैंकॉक के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन थाना को ये बात पता लग जाती है कि तवान ओट के साथ आ रहा है, इसलिए अपने बंदों को उसका मर्डर करने के लिए शिप में भेज देता है, जिससे कि तवान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब शिप में थोड़ी देर के बाद फायरिंग होने लगती है। तवान सबसे लड़ रहा होता है और बुंगा एक जगह पर छिपी होती है। तभी एक आदमी आता है, बुंगा को धक्के मार कर समंदर में फेंक देता है। ये देखकर तवान चीखने लगता है। वो जंप करने जा ही रहा होता है, दो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब उसको मार कर वो समंदर में जंप करता है, लेकिन इस बीच काफी वक्त हो गया था, बुंगा पानी के काफी नीचे चली गई थी। तभी ओट को मार कर भी वो गुंडे समंदर में फेंक देते हैं। अब ये न्यूज इंतु को जब पता चलती है कि कुछ बाहरी क्रिमिनल बुंगा और तवान पर अटैक करके तीनों ही लोगों को समंदर में फेंक दिए हैं, ये सुनकर वो बुंगा को तलाशने के लिए निकल पड़ता है। कई सारे ग्रुप को बुंगा की तलाश में समंदर में भेज देता है। इधर तवान भी बुंगा को हर जगह तलाश कर रहा था, लेकिन कहीं भी बुंगा उसे नहीं मिलती। तभी उसे पता चलता है कि ओट भी समंदर में गिर पड़ा है। अब दो लोगों के खोने का दर्द तवान को पागल ही किए जा रहा था। तभी उसके पास इंथु आता है। वो भी बुंगा को तलाशने के लिए परेशान था, समंदर का चक्कर लगाकर आ चुका था। लेकिन तवान उसी पर ब्लेम करने लगता है कि तुमने ठीक से उसको नहीं तलाशा। ये सुनकर इंथु को गुस्सा आ जाता है। अब दोनों में लड़ाई पड़ने लगती है। तभी एक आदमी आता है, वो कहता है कि उसे ओट मिल गए हैं। ये सुनकर तवान को थोड़ी राहत मिलती है। वो ओट के पास जाता है, उसके पीछे इंथु भी जाता है। तवान ओट से मिलकर बुंगा को तलाशने के लिए जाने लगता है। तभी इंथु कहता है कि तुम आराम करो, बुंगा को तलाशने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब इंथु को एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है। पहले तो उसे लगा था कि ये बुंगा ही है, लेकिन वो बुंगा नहीं होती। उसे साइड में रख कर इंथु बुंगा को तलाश करने लगता है, और फाइनली उसे बुंगा मिल जाती है। लेकिन इंथु इस बात को हाइड कर लेता है। अलग जगह पर बुंगा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अब वो तवान को उसी डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जो कि दिखने में
सेम बुंगा की तरह लग रही थी। अब तवान बुंगा की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोता है। डेड बॉडी का फेस इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस तरह तवान कंफर्म हो जाता है कि ये बुंगा ही है। फ्यूनरल के बाद तवान बिल्कुल ही टूट चुका था। योड उसे यहाँ से चलने की बात कहता है, लेकिन तवान में हिम्मत नहीं होती। उसे इस जगह से अब लगाव सा हो जाता है। वो भाई के कहने पर यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन ये कह देता है कि वो हर मंथ यहाँ पर आता रहेगा। अब ओड और तवान फादर के घर पर पहुँच जाते हैं। पेंडा तवान को देखकर इग्नोर करती है और ओड से कहने लगती है कि आप बच गए, देखकर बहुत ही खुशी हुई। तब ओड कहता है कि तुमको खुशी नहीं बल्कि गम हुआ होगा, क्योंकि तुम दोनों ने ही शूटर को भेजा था। अब यह सब कहने के बाद वो रूम में चला जाता है, जहाँ पर दोनों भाई बहनों का गेम प्लान तवान को बताने लगता है कि ये लोग कंपनी को सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है। उधर ट्रैकान वकील को बुलाकर वसीयत पढ़ा लिए थे, जिसमें तवान के फादर ने बराबर से अपने चारों बंदों को हक दिया था। लेकिन ट्रैकान मीडिया के सामने ऐसा शो करता है कि तवान और ओड मर चुके हैं और सारी प्रॉपर्टी अब थाना और पेंटा की है। इधर ओड और तवान लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक रिजेक्ट कर देती है, जिस बात के लिए ये लोग बहुत ही परेशान थे। पेंटा घर में मीडिया के साथ बैठी हुई थी, तभी वो रिंग लाने के बहाने योड के रूम में जाती है और दरवाजे पर ठहर कर उनकी बातें सुनने लगती है। अब ये योड से कहती है कि बैंक से लोन ना मिले तो कोई बात नहीं, तुम हमें बता देना, ट्रैकान हमारी कंपनी को खरीदना चाह रहा है। उसके इस बात पर तवान कहता है कि तुम कब से ट्रैकान के सर्वेंट बन गए। उसकी इतनी सी बातों पर पेंटा उसे घर से भगाने लगती है और फिर खुद ही सीढ़ियों से गिर पड़ती है और नाम तवान का लगा देती है। मीडिया भी फोटो को कवर कर लेती है। अब अगले दिन पेंटा ट्रैकान के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर ट्रैकान कहता है कि वो गुड एक्टर है। फिर पेंटा को किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसके पास से चली आती है। अब हमें तवान को दिखाया जाता है, जिसको बुंगा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर उसकी जेम से टक्कर होती है। इस टक्कर में तवान के हाथ से फ्लावर गिर पड़ता है, जो कि जेम्स को बहुत ही प्यारा लगता है। फूलों का नाम पूछती है, साथ में तवान का भी नाम पूछ लेती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद चले जाते हैं। तवान वही शिप में जाता है जहाँ से बुंगा गिरी हुई थी, और बुंगा भी वहाँ पर आई होती है, क्योंकि बुंगा के इलाज के बाद उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। इंदु उसे अपना हस्बैंड बताकर उसको घर ले आए होते हैं, लेकिन बुंगा उसकी बातों से कंफर्टेबल नहीं होती। व्हाइट हाउस में काम करने वाले सभी सर्वेंट को रोक दिया गया था कि कोई भी बुंगा को सच ना बताए, लेकिन ड्राइवर की बहन संतरी इंदु को लाइक करती थी, इसलिए वो किसी भी ऐसी लेडी को बर्दाश्त नहीं करती थी जो कि इंदु के करीब होती है। इसलिए वो बुंगा से कहती है कि वो उस जगह पर जाए जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब उसे पिछली बातें याद आ जाएंगी। अब बुंगा ऐसा ही करती है, वो भी उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर तवान आया होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, क्योंकि बुंगा बोर्ड के किनारे जाकर पानी में झांकने लगती है, और तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है। वो बस गिरने वाली ही होती है कि उतने में ही इंदु आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है। इंदु फौरन ही बुंगा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब तवान जब वहाँ पर पहुँचता है, तब सबसे पूछने लगता है, जिसके बाद ये बात पता चलती है कि एक बंदे की वाइफ पानी में गिरने जा रही थी, लेकिन वो उसको संभाल लिया, लेकिन उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए फौरन ही लेकर चला गया। ये सुनकर तवान को फिर से बुंगा की याद आने लगती है। वो समंदर के किनारे जाकर पत्थर से बुंगा की एक निशानी बनाता है और फूल लगाते हुए कहता है कि वो कभी भी बुंगा को तन्हा नहीं होने देगा, हर मंथ वो यहाँ पर आता रहेगा। उधर बुंगा के सर में दर्द हो रहा था और फीवर है कि कम नहीं हो रहा था। ये देखकर इंदु बुंगा को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहता है, लेकिन बुंगा रेस्ट करने के लिए कुछ वक्त मांगती है। अब उसे शॉवर दिया जाता है और बहुत ही ख्याल किया जा रहा था, फिर भी उसकी तबीयत सुधर नहीं रही थी। ये देखकर इंदु बुंगा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ तवान उसे होटल में होता है, तभी जेम्स के रूम में उसका हस्बैंड ट्रैकान आ जाता है। दोनों में झगड़े होने लगते हैं। ये सुनकर तवान बीच बचाव में जाता है, जहाँ पर उसके सर में चोट लग जाती है।
अब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां पर बुंगा की झलक उसे मिल जाती है। ये देखकर वो उसका पीछा करता है, लेकिन बुंगा तब तक इंतु के कार में बैठकर जा चुकी थी। तवान बहुत ही परेशान हो रहा था, तभी जेम्स यहां पर आ जाते हैं। अब वो तवान की परेशानी को पूछने के बाद कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो उसकी वाइफ ही थी, जिस पर तवान खामोश हो जाता है। कहता है कि अब से उसे नजर रखनी पड़ेगी। जेम्स तवान के बहुत करीब जाना चाहती थी, लेकिन तवान उसके और खुद के बीच दूरी बनाए रखे था। लेकिन इन दूरी के बीच ही दोनों में इतनी बात हो जाती है कि उसे अब ये बात पता चल जाती है कि ये ओट का भाई तवान है। ये सुनकर तवान चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला, लेकिन जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताती। ये देखकर हमें जरूर पता लग जाता है कि जेम्स तवान को लाइक करती है। अब कब से उसे वो पसंद कर रही है इस बात का पता नहीं चलता। खैर कहानी आगे बढ़ती है। योड एक मीटिंग में होता है, जिसमें जेम्स उसके कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहती है और ट्रैकान को पीछे करने का इरादा होता है, साथ ही तवान के करीब आने का ये जरिया होता है। तभी इस मीटिंग में ट्रैकान आ जाता है, सारे ही डीलर से कहता है कि ये खुद ही एक भिखारी है, तुम सबको क्या ही देगा, वैसे भी इस काम में मैं शामिल हूँ, आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर भी अगर कोई योट के साथ काम करेगा तो उसकी जान जाएगी। तभी जेम्स आ जाती है, वो कहती है कि जान जाने से अब तुम डरोगे, सब नहीं। ये कहते हुए अपने साथ लाए हुए बंदों को गन पॉइंट करने के लिए कह देती है, साथ में ये भी कह देती है कि अब वो ओट के साथ काम करेगी, जिसमें दम हो वो उसे रोक के दिखाए। बीबी का ये एनिमी रूप देखकर ट्रैकान को बहुत ही तकलीफ होती है और योट के दोनों भाई बहन इस तमाशे को देख रहे होते हैं और ट्रैकान यहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब तवान भी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा हो गया था। तभी हम बुंगा और इंदु को देखते हैं। इंदु बुंगा को अब कहीं अकेले नहीं जाने देता था, जिस वजह से वो बोर हो चुकी थी। ये देखकर इंदु उसे एक बुक देता है, जिसमें रिवेंज लव से रिलेटेड स्टोरी होती है। बुंगा को ऐसे बुक्स पसंद नहीं थी, उसे तो बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पसंद थी। ये देखकर इंदु मुस्कुराते हुए कहता है कि बुंगा सच में तुम सबसे अलग हो और तुम्हारा यही अंदाज मेरे दिल को छू गया। अब कई दिन के बाद बुंगा को एक ड्रेस लाकर देता है और कहता है कि अब तक कभी भी वो उसके साथ डिनर नहीं करता था, काम में बिजी रहने की वजह से, लेकिन अब कितना भी बिजी रहेगा लेकिन बुंगा के साथ हमेशा ही डिनर करेगा। आज हमारा फर्स्ट डिनर है, ये ड्रेस पहनकर तुम रेडी हो जाओ। बुंगा ड्रेस पहनती है, इंतु उसके करीब आता है। बुंगा की खूबसूरती को देखकर वो घायल हो रहा था। अब वो बुंगा को किस करने के लिए जाता है, लेकिन बुंगा को उसे किस करना बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो इंतु को रोक देती है। दूसरी तरफ जेम्स के पास से सारे ही लोग चले जाते हैं। अब वो तवान के साथ डांस करने की बात कहती है। डांस के दौरान ही वो तवान से कहती है कि उसके साथ कुछ दिन रहे तब वो उसको एक फेमस बिजनेसमैन बना देगी, इस तरह उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर तवान कहता है कि ये सपना उसका नहीं बल्कि उसकी वाइफ बुंगा का है और इसलिए इसे मैं कंप्लीट करूंगा। बुंगा का नाम सुनते ही जेम्स पीछे हट जाती है। अचानक से तवान को धक्का लगता है और वो गिर पड़ता है। ये देखकर जेम्स उसके पास जाती है, फिर उसका बैंडेज करती है। इस बीच वो तवान को किस करना चाहती थी, लेकिन तवान उसे रोक देता है। इस तरह जेम्स समझ चुकी थी कि अब ये बुंगा की यादों से ये बाहर नहीं आया है। तभी तवान रात ज्यादा हो गई है का बहाना करके जेम्स के पास से चला जाता है। उधर बुंगा सोते वक्त पास के बातों का सपना देखती है, जिसमें तवान नजर आता है, लेकिन उसका फेस उसे क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन नाम उसे जरूर याद आ चुका था। अब वो घबरा कर उठ जाती है। इंतु से जब तवान के बारे में पूछती है तब वो कह देता है कि तवान के अबाउट उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ रहेगी तो उसे एक दिन सारी बातें याद आ जाएंगी। अब उसे अपने साथ बिजनेस में बिजी करने का प्लान बनाता है। बुंगा को बर्ड फार्म में ले जाता है क्योंकि उसकी नीलामी थी। बुंगा जब मैप को देखती है तब उसे याद आता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है, जिस पर इंदु कहता है कि उसके पास ऐसे कई फॉर्म्स हैं और सबकी लोकेशन सेम ही है, इसलिए उसे ये मंजर याद आ रहा होगा। अब जेम्स भी तवान के साथ इस नीलामी को सुनकर यहाँ पर आ जाती है। तवान कहता है कि वो इंदु को जानता है,
इस तरह से डील करने में आसानी होगी। अब वो इंतु के पास जाती है और बातचीत करने लगती है। तभी बुंगा बाहर टहलने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर तवान उसे देख लेता है। बुंगा वही स्कॉफ लिए समंदर के किनारे टहल रही होती है और तवान देखकर कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में वो बुंगा ही है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी इंतु आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि जेम्स ने इंतु को बता दिया था कि वो तवान के साथ आई है और तवान समंदर के किनारे गया है। यह सुनकर वो भागते हुए यहाँ पर पहुँच गया था। अब जो कि तवान को वहाँ से लेकर चला जाता है और तवान और जेम्स को यहाँ से भेज देता है। फिर इंतु बुंगा के पास जाता है और बुंगा को बहाने से घर लेकर चला आता है। इधर ट्रैकान को इंतु और जेम्स के डील के बारे में पता लग चुका था, साथ ही ट्रैकान के पास वो लैंडलॉर्ड भी आ जाता है। इस तरह दोनों विलेन मिल जाते हैं। अब ट्रैकान लैंडलॉर्ड से कहता है कि वो तवान को मार डाले। अब ऐसा ही होता है। अगले ही पल रास्ते में लोग तवान और जेम्स की गाड़ी को रोक लेते हैं और गन पॉइंट कर देते हैं। और तभी यहाँ पर बुंगा और ईट भी आ जाते हैं, क्योंकि इन लोग घूमने के लिए जा रहे होते हैं। अब बुंगा वहाँ के हालात को समझते हुए लैंडलॉर्ड के पीछे जा खड़ी होती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। इनके साथ आए हुए लोग लैंडलॉर्ड के बंदों को मारने लगते हैं। इस तरह तवान और जेम्स वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। जाते वक्त तवान बुंगा की आंखों को देखता है, लेकिन वो मास्क लगाए हुए थी, इसलिए वो पहचान नहीं पाता, लेकिन अपने पन का एहसास उसे जरूर होने लगा था। खैर, देखती तो बुंगा भी तवान को है, लेकिन पिछली बातें उसे कहाँ याद थी। लेकिन जब उसने लैंडलॉर्ड पर गन पॉइंट किया था, तब उसकी शक्ल देखकर पिछली बातें उसे याद आई थी, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर कर देती है और इंतु के पास जाने लगती है। और इंतु है कि ट्रैकान के पास गया हुआ था, क्योंकि उसी की वाइफ से उसकी डील हुई थी, इसलिए ट्रैकान ने उसे बुलाया था। अब इंतु जब वहाँ पर लैंडलॉर्ड को देखता है, तब ट्रैकान के मकसद को समझ जाता है। साथ ही वो ट्रैकान की बात को नहीं मानता। ट्रैकान की चाहत होती है कि वो उसकी वाइफ के साथ किसी भी बिजनेस में ना जुड़े। यही सब मसलों पर यहाँ पर बातें बढ़ जाती है और तभी यहाँ पर बुंगा आ जाती है। तमान उन आँखों को याद करके ये जान चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं, बुंगा ही थी। तभी बुंगा को देख भी लेता है और फौरन ही उसे गले लगाते हुए अपने प्यार की तड़प उसे बताने लगता है, लेकिन बुंगा उसे डर रही होती है। इतने में ही पीछे से इंतु आ जाता है, जो कि तवान से फाइट करके बुंगा को अपने साथ लेकर जाने लगता है और तवान को जेम्स रोक लेती है। लेकिन बुंगा के साथ उसकी आधी जान जा चुकी थी। उधर बुंगा भी तवान के लिए बेचैन होने लगी थी। वो ईट की मदद से फिर से बाहर आती है और तवान से मिलती है। ये बात जब इंतु को पता लगती है, तो वो अपने कुछ शूटर को तवान की जान लेने के लिए भेज देता है। ये देखकर तवान उन लोगों से छिपते हुए फायर करने लगता है और बुंगा भी तवान का साथ दे रही होती है। ये सब इंतु दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी तवान उन शूटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बुंगा को एक पत्थर के पीछे छिपा देता है। तभी इंतु खुद के हाथ पर फायर करता है, जिससे कि ये ना पता लगे कि उसने ही इन शूटर को भेजा है। बुंगा को लगे कि उसे बचाने के लिए वो आया था और उसे भी बुलेट लग चुकी है। खैर, इंतु का ये प्लान सक्सेस हो जाता है। इस तरह वो बुंगा की अटेंशन पा जाता है। फिर बुंगा की मदद से कार में जाता है और बैठते ही यहाँ से फौरन रवाना हो जाता है। तभी तवान देखता है कि वो बुंगा को लेकर जा रहा है। ये देखकर वो कार के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक कार बहुत दूर जा चुकी थी। अब एक बार फिर तवान बुंगा की मोहब्बत में टूट जाता है। अब घर जाने का फैसला लेता है, क्योंकि इस बार वो भाई की मदद से बुंगा को पाना चाहता है, क्योंकि अकेले तो इंतु से जीतना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उधर बुंगा इंतु के ठीक होने के बाद कहती है कि वो तवान के पास जा रही है, लेकिन इंतु उसे बाहर कदम रखने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन बुंगा बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। ये देखकर इंतु उसे एक रूम में बंद कर देता है। लेकिन इंसान और आजाद चिड़िया को कोई कैद में कहाँ रख सकता है, वो जिंदा लाश बन जाती है। ये देखकर इंतु फिर से उससे गेम करता है, ये कहकर कि वो तवान के पास उसे लेकर जा रहा है, वो अपने बैग को रेडी कर ले। ये सुनकर बुंगा बहुत खुश हो जाती है, फौरन ही अपने बैग को रेडी कर लेती है। लेकिन ये सब इंतु की एक चाल होती है। वो
यहाँ से बाहर जाने का प्लान बना लेता है, इसीलिए वो बुंगा को बेहोश कर देता है और फिर शिप में लेकर उसे जाने लगता है। लेकिन किस्मत का मारा था बेचारा, वहीं पर तवान भी आया होता है। तवान के साथ जेम्स की भी टीम होती है। तभी तवान इंदु के गोद में जब बुंगा को देखता है तब वो उस पर झपट पड़ता है। इंदु बेहोश बुंगा को प्यार से साइड में रखता है, फिर तवान के साथ फाइट शुरू कर देता है। तवान भी कुछ कमजोर नहीं होता, वो भी इंदु के हाथ को तोड़ देता है। लेकिन इंदु को बुंगा के लिए ये चोट कुछ भी नहीं लगती। वो अब तवान के गले को दबाकर उसे मारने जा रहा होता है कि तभी पीछे से जेम्स लोहे के रॉड से इंदु के सर पर मार देती है, जिससे इंदु वहीं पर धराशाही हो जाता है। अब तवान बुंगा को लेकर रूम में जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। इधर घायल इंदु का भी इलाज चल रहा होता है। अब अगले दिन बुंगा को होश आता है। तवान बुंगा को पास्ट की सारी बातें बताने लगता है, दादी की कहानी, वो लैंडलॉर्ड की कहानी। तवान की इन बातों से बुंगा को सारी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, लेकिन बाकी बातें अभी क्लियर याद नहीं आ रही थी। खैर तभी इंदु को होश आता है, वो फौरन ही गन लेकर बुंगा को लाने के लिए उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर ड्राइवर उसे रोक लेता है और कहता है कि उठकर चलने की हिम्मत तो है नहीं, ऐसे में बुंगा को क्या खाक लेके आ सकोगे, कुछ दिन आराम कर लो, बाद में हम सब मिलकर बुंगा को ले आएंगे। इंदु को भी ड्राइवर की बातें समझ में आ जाती हैं। अब वो अगेन बेड पर लेट जाता है, लेकिन बुंगा बुंगा की रट लगाए होता है। तभी उसकी देखभाल करने के लिए ड्राइवर की बहन संतरी यहाँ पर आती है। इंदु को लगता है कि ये बुंगा है, वो उसे प्यार करने लगता है और प्यार करते करते उसे किस भी करने लगता है, और तभी यहाँ पर ड्राइवर आ जाता है। अब वो अपनी बहन को जब इस हरकत को करते हुए देखता है तो फौरन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे रोकता है कि वो ऐसी गंदी हरकत नहीं करे, इंदु उसे प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ बुंगा की याद में उसे ये सब कर रहा है। लेकिन संतरी तो संतरी थी, उसे लगता है कि वो किस भी करके इंदु को अपना लेगी, शायद इसीलिए भाई की बात उसे समझ में नहीं आती। अब वो यहाँ से चली जाती है और मन ही मन में खुश हो रही होती है कि आज लबों से लब टकराए हैं, ऐसे चलते रहा तो जल्दी इंदु को वो अपना हस्बैंड बना लेगी। लेकिन उल्लू थी। खैर ट्रैकान उधर तवान के भाई से मिलकर उसे रास्ते से हटाने की बात करता है, साथ ही उस लैंडलॉर्ड को भी अपनी टीम में शामिल किया जाता है, जिससे कि यह दुश्मन पार्टी मजबूत हो जाए। उधर बुंगा बेचारी ख्वाब में देखती है कि तवान के साथ बहुत अच्छे माहौल में वो इश्क फरमा रही है, लेकिन इंदु आकर तवान को शूट कर देता है और शूट की आवाज से बुंगा की आंख खुल जाती है। अब वो तवान के पास जाती है, तवान सेम वही जगह पर उसे ले जाता है जहाँ का ख्वाब बुंगा को अभी आया होता है, इसलिए वो डरी होती है। तभी तवान का भाई यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ट्रैकान और थाना उसके खिलाफ कौन सी साजिश बुन रहे हैं ये उन्हें बताना होता है। बुंगा उनको देखकर पहचान नहीं रही होती, लेकिन धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। अब वो तवान को ट्रैकान की सारी साजिश बताकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी तवान बुंगा के साथ मूड फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पर ये लोग टहल रहे होते हैं, और तभी लैंडलॉर्ड की नजर बुंगा पर पड़ जाती है। अब तवान और बुंगा साइकिल से भागने लगते हैं, लैंडलॉर्ड कार से होता है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते शूट करके हीरो हीरोइन को जमीन में गिरा देता है। लेकिन ये दोनों बहुत हिम्मती होते हैं, तेज रफ्तार में वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन इस बीच बुंगा के हाथों में हल्का सा कट लग जाता है, जिस पर घर आकर तवान दवा लगा रहा होता है, और यहाँ पर जेम्स भी होती है। वो देखती है कि तवान बुंगा को दवा कम लगा रहा है, प्यार ज्यादा कर रहा है, और बुंगा भी प्यार में डूबी है। ये देखकर वो बहुत जल जाती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर काफी सोचने के बाद इंदु के घर चली जाती है। इस तरह वो भी चाहने लगी थी कि बुंगा इंदु के पास आ जाए और तवान उसे मिल जाए। इंदु को जेम्स का साथ पाकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि बुंगा किसी भी हाल में उसकी हो जाए। अब जेम्स जब इस चीज का साथ देगी तब बुंगा को अपनाना काफी आसान होगा। अब वो अपने आदमियों को ट्रेन करने लगता है कि कैसे तवान को रोकना है और बुंगा को उसके पास लाना है। तभी बुंगा और तवान को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ होती हैं। बुंगा तवान की वो डायरी देख रही होती है, जिसमें तवान ने बुंगा के प्यार की
शुरू से लेके एक एक निशानी संभाल कर रखी होती है। तभी तवान को पता लगता है कि उसके भाई को थाना ने शूट कर दिया है, क्योंकि थाना इंथू के उस फार्म को जला दिया था जिसे तवान ने लिया होता है। इस बात को रोकने के लिए जब तवान के बड़े भाई वहाँ पर जाते हैं तब दोनों की बहस होती है और इसी बीच इतनी बातें बढ़ जाती हैं कि गोली बंदूक भी चल जाती है, जिसमें थाना को कुछ नहीं होता लेकिन बड़े भाई बेहोश हो जाते हैं। अब तवान वहाँ पर पहुँचता है, भाई को हॉस्पिटल भेजता है, तभी थाना तवान पर भी शूट कर देता है। ये देखकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और तभी गन की एमो खत्म हो जाती है, जिस वजह से हाथों की फाइट होने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है कि तवान थाना का गला दबाकर उसे मारने जा रहा होता है कि तभी थाना का एक आदमी तवान के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। अब तवान बेचारा तन्हा इस मैदान में बेहोश पड़ा होता है। उधर बुंगा तवान के लिए डिनर रेडी करके उसका वेट कर रही होती है और तभी उसके पास लैंडलॉर्ड आ जाता है, जो कि बुंगा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर इंथू आ जाता है, जिसे बुंगा नहीं मिलती। तब वो बहुत परेशान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि बुंगा तवान के साथ होगी, न कि ऐसा होता नहीं। बुंगा तो लैंडलॉर्ड के हबस का निशाना बनने जा रही थी। तभी उसके पास इंथू का एक आदमी पहुँच जाता है, क्योंकि जूते के निशान को देख कर इंथू बाद में समझ गया था कि बुंगा को यहाँ से किसी ने किडनैप किया है। इसलिए फुटप्रिंट्स के सहारे उसका आदमी बुंगा को तलाशते हुए उसके पास पहुँच जाता है, जहाँ पर बुंगा के साथ लैंडलॉर्ड गलत करने जा रहा होता है। तभी वो भागती हुई बाहर आ जाती है। अब लैंडलॉर्ड और इंथू के आदमी के साथ फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लैंडलॉर्ड इंथू के आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। तभी बुंगा यहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए उसे एक अनजान गाड़ी मिलती है, जिसमें वो बैठकर चली जाती है। गाड़ी किसकी थी और कौन था ये बुंगा भी नहीं जानती थी। अब लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ उस गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। इधर तवान के पास उसके आदमी आते हैं, जो तवान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर कई दिन के बाद तवान को होश आता है। तो वो देखता है कि उसका भाई ठीक हो चुका है। ये देखकर तवान बहुत खुश होता है। अब तवान लड़खड़ाते कदम से बुंगा के पास जाता है, जहाँ पर बुंगा नहीं होती बल्कि इंथू होता है। अब इंथू और तवान के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को चोर समझ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जेम्स आ जाती है। अब दोनों की फाइट रोक लेती है। इंथू कहता है कि अगर बुंगा को कुछ हुआ तब वो तवान की जान ले लेगा। ये कहते हुए यहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद जेम्स और तवान में बहस हो जाती है। तवान समझ चुका था कि ये इंथू के साथ मिली हुई है और इसी ने बुंगा को गायब किया है। तभी जेम्स उसके पास आती है और अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस करने लगती है, लेकिन तवान जेम्स को खुद से दूर कर देता है। ये देखकर जेम्स रोने लगती है। उधर इंथू शराब के नशे में धुत बुंगा को याद किए जा रहा था। दूसरी तरफ ट्रैकान के पास एक पिटा हुआ इंसान पहुँच जाता है, जो की कहता है की हमने तवान को मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। ये सुनकर ट्रैकान की टेंशन बढ़ जाती है। इन लोग बात कर ही रहे होते हैं, किसी भी थाना भी यहाँ पर आ जाता है। अब वो भी बताने लगता है कि कैसे उसने बड़े भाई को मारा है और तवान को भी मारा है। खैर बड़े भाई हॉस्पिटल में है। ये सुनकर थाना की बहन हॉस्पिटल आ जाती है, गेट से भाई को देखने लगती है। उधर तवान शराब पीते हुए जेम्स के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने ही मेरे बुंगा को गायब किया है, लेकिन वो इस बात के लिए इनकार कर रही होती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।